अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ैज़ा वसीम। आज की इस वीडियो में हम एक रिसर्च पेपर को रिव्यू करेंगे और वो कौन सा रिसर्च पेपर है, चलिए देख लेते हैं। आज हम बात करेंगे अबाउट द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉर द इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हवाले से। बेसिकली आज का जो रिसर्च पेपर है उसको आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड है। अगर आप IoT के अंदर रिसर्च करना चाहते हैं तो ये पेपर आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड हमारे चैनल पर ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि वीका ट्यूटोरियल, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड हमारे चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग से रिलेटेड इसके अलावा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फ्रीलांसिंग, डेटा माइनिंग, सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन, ये सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जितने सब्जेक्ट्स आते हैं वो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनसे रिलेटेड अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड करें डेली बेसिस के ऊपर। तो अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को विज़िट कीजिएगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं आज के रिसर्च पेपर के हवाले से। आज हम इस पेपर का रिव्यू करेंगे। सिक्योरिटी, इसका टाइटल है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉर दी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको हम IoT भी कहते हैं। सर्वे बेस्ड ये पेपर है। चलिए पहले हम इसका एब्स्ट्रैक्ट रीड आउट करते हैं, देन हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। IoT मतलब कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज मेड अप ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज विच सपोर्ट एडवांस सर्विसेज इन वेरियस एप्लीकेशंस डोमेन। अच्छा, हमारे पास जो IoT है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज से मिलकर बनी है, ये बात तो हम सब लोगों को पता है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी आर अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर IoT एप्लीकेशन डोमेन्स। सिक्योरिटी और प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है IoT एप्लीकेशंस के लिए। दीज एप्लीकेशंस रिक्वायर डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकिटी, इंटीग्रिटी एंड एक्सेस कंट्रोल विद इन द IoT नेटवर्क। IoT नेटवर्क के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी थिंग्स इंक्लूड हैं, उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकिटी, इंटीग्रिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं फॉर यूजर्स एंड थिंग्स। सिक्योरिटी इज़ अचीव बाय इन्फोर्सिंग द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पॉलिसीज। लाजमी सी बात है, हमें किसी भी चीज़ के लिए अगर सिक्योरिटी चाहिए तो हमें वहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है, प्राइवेसी पॉलिसीज़ को लोगों को फॉलो करना होता है। ड्यू टू द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स एंड कम्युनिकेशन स्टैक्स इन्वॉल्व इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, इट कैन नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड टू द IoT थिंग्स। इन IoT number of interconnected devices is expected to increase tremendously, hence scalability is the biggest challenge for the IoT development. This survey paper presents the available security protocols at respective IoT layers. इस पेपर का मकसद क्या है? इस पेपर में सर्वे बेस्ड रिसर्च की गई है और ये पेपर प्रेजेंट करता है जो भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं, अवेलेबल हैं IoT लेयर्स से रिलेटेड। IoT लेयर्स से रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं उनके ऊपर एक रिसर्च बेस्ड पेपर है। अ कंपैरिजन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज डन विद रिस्पेक्टिव टू वेरियस सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स एंड रिसर्च गैप्स आर आइडेंटिफाइड। अच्छा, कीवर्ड्स देख लेते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी IEEE 802.15.4। अच्छा, अगर आप IoT के अंदर या फिर IEEE 802.15.4 के अंदर जब सर्च करेंगे तो उसके अंदर भी यही चीज़ें आएंगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सिक्योरिटी और प्राइवेसी से रिलेटेड। तो अगर आप इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर वॉच करें। चलिए हम यहाँ पर रिव्यू देख कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। फर्स्ट सेक्शन है हमारे पास जिसमें सबसे पहले इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बताया गया है। पहले पैराग्राफ के अंदर थोड़ा बहुत इंटरनेट ऑफ थिंग्स को एक्सप्लेन किया है इन्होंने। देन अगर हम लोग और स्क्रॉल डाउन करें तो आप लोग ये रीड आउट कर सकते हैं कि IoT इज़ द नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और डिवाइसेस, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स एंड अदर आइटम्स एम्बेडेड विद द इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, सेंसर्स एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी विच इनेबल्स दीज ऑब्जेक्ट्स टू कलेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा। अच्छा, IoT को यहाँ पर ये लोग डिटेल में डिफाइन कर रहे हैं, बैकग्राउंड के हवाले से थोड़ी बहुत बात की और यहाँ पर इन्होंने फिगर दी है एक। आप अगर इसके ऊपर गौर करें तो ये फिगर हमें क्या दिखा रही है?
ये हमें दिखा रही है टॉपिक्स मेक अप द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। कम्युनिकेशन, सेंसर्स, एक्चुएटर्स, स्टोरेज, डिवाइसेस, प्रोसेसिंग, लोकलाइजेशन एंड ट्रैकिंग, आइडेंटिफिकेशन, ये सब चीज़ें हमारे पास, ये सारे टॉपिक्स मिलकर इंटरनेट ऑफ थिंग्स बनाते हैं। अच्छा, हम करते हैं थोड़ा बहुत स्क्रॉल डाउन। इंट्रोडक्शन सेक्शन आप देख लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास और यह है नीड फॉर सिक्योरिटी इन IoT। IoT के अंदर हमारे पास सिक्योरिटी की नीड क्यों है, क्यों इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर सिक्योरिटी को, प्राइवेसी को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, यहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस किया गया है। प्रीवियस पेपर्स के हवाले से कुछ बातें की गई हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, प्राइवेसी हम लोग इसके अंदर क्यों लेकर आना चाहते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जो डिफरेंट पेपर्स इन लोगों ने रेफ़र किए हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें बताई गई थी, पहले रिसर्च की जा चुकी हैं, वो इन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की हैं। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आते हैं और यहाँ पर बात की गई है थ्रेट्स इन IoT एंड देयर काउंटर मेजर्स। कौन कौन से थ्रेट्स हैं IoT के अंदर, पॉसिबल थ्रेट्स हो सकते हैं, और उनके काउंटर मेजर्स के हवाले से बात की है। इसका सब सेक्शन के हवाले से बात करें तो 2.1 सेक्शन है रिसर्च चैलेंजेस इन IoT। IoT के अंदर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर कौन कौन से रिसर्च चैलेंजेस हो सकते हैं, ये लोगों ने प्रीवियस पेपर्स यहाँ पर मैंशन करके ये चीज़ें मैंशन की हैं, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। जॉर्ज ज्रेंजल के पेपर 2015 का है ये पेपर। इसी तरह से रॉल्फ एच वेबर का पेपर इन्होंने यहाँ पर रेफ़र किया, और इसमें जो जो चीज़ें बताई गई थी प्रीवियस पेपर्स में वो इन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की हैं। ओके, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आते हैं और नेक्स्ट थ्रेड जो इन्होंने नेक्स्ट जो सब सेक्शन है यहाँ पर वो है हमारे पास सिक्योरिटी इन IoT। IoT के अंदर सिक्योरिटी को किस तरह से देखा जाता है, डिफरेंट पेपर्स में किस तरह किससे उनके हवाले से बात की गई है। इन्होंने यहाँ पर डिफरेंट रिसर्च पेपर्स मेंशन किए हैं, डिफरेंट रिसर्च पेपर्स का रेफरेंस दिया है यहाँ पर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर पेज के ऊपर एक टेबल प्रोवाइड किया गया है और ये टेबल हमें क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कंपैरेटिव चार्ट ऑफ सिक्योरिटी पैरामीटर्स। अब सिक्योरिटी में हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर्स आ जाते हैं, पहले तो ये हमारे पास नेम्स ऑफ लेयर्स प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। फिजिकल लेयर होती है एक, WPAN, अडेप्टेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, डिफरेंट लेयर्स के हवाले से यहाँ पर आप देख सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी का पैरामीटर दिया है, इंटीग्रिटी का पैरामीटर, ऑथेंटिकेशन, नॉन रेपिटेशन, फ्रेगमेंटेशन अटैक प्रोटेक्शन, एंड टू एंड सिक्योरिटी, रीप्ले प्रोटेक्शन, इंटरनल अटैक प्रोटेक्शन, ये इन्होंने पैरामीटर्स दिए हैं, ये लेयर्स अवेलेबल हैं। वाई यहाँ पर डिनोट कर रहा है एड्रेस्ड को, एन यहाँ पर डिनोट कर रहा है नॉट एड्रेस्ड को, और एन ए डिनोट कर रहा है नॉट एप्लीकेबल को। कौन कौन सी लेयर्स पे सिक्योरिटी के पैरामीटर्स एड्रेस्ड हैं, कौन कौन से लेयर्स पे सिक्योरिटी के पैरामीटर्स नॉट एड्रेस्ड हैं, और कौन कौन से लेयर्स पे सिक्योरिटी के पैरामीटर्स नॉट एप्लीकेबल हैं, ये टेबल हमें ये चीज़ शो कर रहा है। ओके, स्क्रॉल डाउन करते हैं और नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास कम्युनिकेशन लेयर्स का एंड प्रोटोकॉल्स स्टैक इन IoT। कम्युनिकेशन लेयर के अंदर और प्रोटोकॉल स्टैक इन IoT, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बात की गई है IEEE 802.15.4 स्टैंडर्ड्स के हवाले से, और जो है वो इन्होंने टेबल 2 को रेफर किया है, यहाँ पे गिव्स द IoT स्टैक एंड रिस्पेक्टिव सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉर IoT। ये वाला टेबल है वो, ये हमें क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है IoT का स्टैक विथ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, और ये 6LoVPN लेयर, ठीक है। इसमें IoT के प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं और सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं। एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो इस पर हमारे पास IoT का प्रोटोकॉल है COP और MQTT, सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है यूज़र डिफाइंड। इसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर पे UDP, DTLS, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पर एडिंग सिक्योरिटी एट दी लिंक लेयर। लिंक लेयर पर सिक्योरिटी को ऐड करना है, तो उससे रिलेटेड उन्होंने यहाँ पर डिफरेंट रिसर्च पेपर्स को मेंशन किया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने रॉल्फ एच वेबर का पेपर 2015 का बस दिखाया है और इसमें किस तरह से काम किया गया है, इन चीज़ों पर ये चीज़ मेंशन है। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सब सेक्शन की तरफ आते हैं 3.2, इसमें बात की गई सिक्योरिटी दी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के ऊपर सिक्योरिटी का सारा चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। इसी तरह से सिक्योरिटी दी IoT एट द ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर के हवाले से बात की गई है, और यहाँ पर 3.4 के सेक्शन में
सिक्स एलो वी पैन प्रोटोकॉल फॉर आईओटी, इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं। कॉन्क्लूजन देख लेते हैं। इन दिस पेपर वी हैव कैरिड आउट अ थ्रॉट एनालिसिस ऑफ द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एंड मैकेनिज्म अवेलेबल टू प्रोटेक्ट कम्युनिकेशन ऑन द आईओटी। कौन कौन से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं डिफरेंट लेयर्स के ऊपर आईओटी में, वो यहाँ पर दिखाया गया है। द मेजोरिटी ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आर ब्रीफली डिस्कस्ड इन दिस सर्वे पेपर। सर्वे बेस्ड पेपर है, डिफरेंट पेपर्स को रेफर किया गया है, डिफरेंट पेपर्स के रेफरेंसेज दिए गए हैं यहाँ पर। फ्रॉम दिस एनालिसिस इट इज़ ऑब्जर्व दैट फ्यू गैप्स एट वेरियस आईओटी लेयर्स एज फ्रेगमेंटेशन अटैक प्रोटेक्शन इज एब्सेंट इन फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। इट इज़ ऑल्सो सीन एंड टू एंड सिक्योरिटी इज नॉट सपोर्टेड बाय फिजिकल लेयर एंड नेटवर्क लेयर। रीप्ले प्रोटेक्शन इज नॉट सपोर्टेड इन द फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर एंड 6LO वी पैन डब्ल्यू पैन लेयर। इंटरनेट अटैक प्रोटेक्शन इज एब्सेंट इन फिजिकल लेयर। अच्छा, जो जो चीज़ें यहाँ पर एनालाइज की गई हैं वो यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। कॉन्क्लूजन सेक्शन यहाँ पर कॉन्टिन्यू है, आप इसको देख सकते हैं। फाइनली इन्होंने यहाँ पर रेफरेंसेज दिए हैं। ऊपर जितने भी पेपर को रेफर किया गया था वो सभी यहाँ पर अवेलेबल है, यू कैन चेक आउट। ओके, इस पेपर में इन्होंने 15 रेफरेंसेस दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने 2017 का ये पेपर डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। आज के इस पेपर में हमने बात की है आईओटी से रिलेटेड, आईओटी के अंदर जितनी भी सिक्योरिटी और प्राइवेसी से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स आते हैं उनका सर्वे बेस्ड पेपर था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल फ़ैज़ वसीम को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक और अच्छे से टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।